अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सैफई में नेताजी के जन्मदिन का जश्न, तेज प्रताप यादव ने मनाया जन्मदिन। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने सैफई से दिया अनोखा संदेश, कार्यकर्ताओं के बीच कही बड़ी बात, समर्थकों की जुटी सैफई में भारी भीड़। नेताजी के जन्मदिन पर हो रहा है विशेष आयोजन, केक काटकर समर्थक बोले हैप्पी बर्थडे नेताजी। सैफई आज जश्न में डूबा हुआ है, पूरे सैफई में नेताजी के जन्मदिन की धूम दिख रही है और नेताजी के परिवार के लोग भी जहां नेताजी के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, वहीं केक काटकर समर्थकों के साथ खुशियां बांट रहे हैं और नेताजी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर तमाम जगहों से समर्थक सैफई पहुंचे हैं और जन्मदिन के जश्न में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर समर्थकों के साथ मैनपुरी से पूर्व सांसद और नेताजी के पोते तेज प्रताप यादव ने केक काटकर जहां जन्मदिन की औपचारिकताएं पूरी की, वहीं उन्होंने सैफई पहुंचे समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। नेताजी के जन्मदिन पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रण लेते हुए कार्यकर्ताओं को खास संदेश दिया और कहा कि 2022 में हर हाल में सपा की सरकार बनाकर हम नेताजी को जन्मदिन का तोहफा देंगे और इसके लिए आप सभी लोगों को पार्टी के लिए मेहनत करनी है और हर कदम पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का साथ देना है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब वक्त बदलाव का है, प्रदेश के रुके हुए विकास को रफ्तार देने का है, लेकिन मौजूदा सरकार इस सब में फेल दिखाई दे रही है और प्रदेश की जनता हमारी तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रही है। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरना हमारी प्राथमिकता है और जीतकर पार्टी को सत्ता में काबिज करवाना नेताजी के लिए जन्मदिन का सच्चा तोहफा होगा। इस मौके पर पूर्व सांसद ने केक काटकर नेताजी की तस्वीर को केक खिलाया, साथ ही जो समर्थक मौके पर पहुंचे थे उनके साथ जन्मदिन का जश्न मनाया। तेज प्रताप यादव ने जहां नेताजी की लंबी उम्र की कामना की, वहीं समर्थकों ने कहा कि नेताजी हमारे आदर्श हैं और उनके दिखाए रास्ते पर हमें हमेशा चलना है। नेताजी दीर्घायु हों ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे और सपा के लिए हम मेहनत करते रहें, पार्टी को सत्ता का सिरमौर भी हम बनाएंगे। नेताजी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर जगह से नेताजी के जन्मदिन के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैफई से अवनीश यादव के सहयोग से मीडिया हलचल की रिपोर्ट।